ये यहाँ पे अंकल आ चुके हैं और ये आ रहे हैं ऐसे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे। और ये आ गए अंकल। नमस्ते अंकल, हैप्पी रिटायरमेंट अंकल। इतने अनमाले कर अब मैं जाऊंगा कहाँ, कुछ पाने को जो खोया फिर पाऊंगा कहाँ। मंजिल खो गई एक पल को बस राह रह गई, राहों ने यूं मोड़ा के मंजिल ही मिल गई। कब कहाँ दिल से निकली सदा मुझको नहीं पता। वेलकम हो मुझको मेरी दिशा। एयरफोर्स की जर्नी बहुत अच्छा रहा, मतलब हम एयरफोर्स में आए 1986 में। इसके पहले अपना पढ़ते थे, हम लोग पांच भाई हैं, कोई भाई पढ़े लिखे नहीं उतना। एक हमसे बड़े भैया पढ़े हैं, उससे बड़े बाकी दो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे गांव में जो पढ़ते थे उनको बोलते थे कि कोई पढ़ के कुछ कर नहीं सकते, तो जो पढ़ेगा वो भी खेती करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी खेती करेगा, तो किस लिए पढ़ना है। तो हमको पढ़ने नहीं देते थे, बोलते क्या करोगे पढ़ के, मत पढ़ो। तो वो फिर खेत में भी बोलते जाओ, लेकिन हम भी पढ़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक भाई मेरे, जो हम लोग पांच भाई अभी हैं, छह भाई थे, एक भाई एक्सपायर कर गए, वही भाई हमको पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो हम पहला क्लास नहीं पढ़े, दूसरा क्लास पढ़े, और दूसरा में भैया पैर हाथ बांध के ले जाते थे, वो मारता भी था। वो टीचर आ रहे थे ना, वो छड़ी से मारता था कि हम जाने से कतराते थे। लेकिन भाई बहुत कर्मठ था, वो ले जाता था पढ़ाने के लिए, तो पढ़े। और उसके बाद पढ़ने लगे तो बहुत मन लगाने लगा। हमारे सब लोग बोलते थे मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि और अगल बगल पढ़ पढ़ के लोग कोई करते नहीं थे कुछ। लेकिन हम पढ़े, डर से पढ़े कि कुछ नौकरी मिल जाए। हम छिप छिप के पढ़े, कोई पढ़ने के दरमियान कोई बोलता था कि जाओ अभी खेत में, तो हम बहुत रोते थे। तो फिर एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन किए? तो पढ़े, फिर मैट्रिक बोलते थे कि हम पास नहीं करेंगे, लेकिन आए थे स्कूल में, मतलब पहला स्थान आ गया वाला स्कूल में। हम डरते थे कि फेल कर जाए, हम सब हम रिजल्ट देखने नहीं जा रहे थे कि मेरा फेल हो गया। लेकिन आया एक मेरा दोस्त, बोला कि तुम तो फर्स्ट में सबसे आगे। ये ऐसे हो गया होगा, अंकल ने लास्ट से नाम देखना शुरू किया, वो देख रहा था। तो हमने तुम्हारा क्या बोला, हम फेल कर गए। वो हमारे साथ बैठना चाहता था बहुत, लेकिन बेचारा वो नहीं कर पाया। तो ठीक है, हम वो है। फिर उसके बाद हम कॉलेज में गए, कॉलेज में फिर एक आया एयरफोर्स का एक आदमी, उसका सुनील नाम था। वो बोला कि तुम इतना गरीब परिवार से हो, घर में ऐसे है, तो तुम क्यों नहीं एग्जाम देते हो। तो बोले कैसे एग्जाम होगा, अभी तो हमको इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी है। बोला कोई नहीं, रॉयल इंडियन फोर्स है, तुम एक बार दो देखो। वो पान खाया, लग रहा कि रॉयल है सही में हो। तो बोला कि जाओ भीठा में इस बार है। तो भरे भरे फॉर्म बुला डा के भीठा में गए। बस पहला दिन एग्जाम हुआ, उसके बाद बोला जो एक तरफ ये हो जाओ ये नाम का, एक तरफ ये हो जाओ। तो हम तो हो गए, हमारा ही नाम बोला हो गया अलग। हम लोग बोले जो फेल करके बुलाया था। लेकिन उधर ही वाला को बोला कि आप लोग जाइए नेक्स्ट टाइम, आप लोग तैयारी करिए। यही लोग का हो गया जाने वाला था। फिर पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, फिर एयरफोर्स में हो गया। बस उसके बाद और यहाँ बेसिक ट्रेनिंग 6 महीना का हुआ। यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद फिर MTTI आवड़ी, आवड़ी में एक साल MTTech, बस नहीं MTTech करके फिर वहाँ से पोस्टिंग आ गई मेरी बेंगलोर ETI में। बेंगलोर में रहे 3 साल, वहाँ से फिर MTTI है। इसमें हम लोग का कन्वर्जन होता था, मैंने ट्रेड MTTech है उससे MT Fit आपका आगे प्रमोशन, तो उसमें कन्वर्जन हुआ। फिर MT Fitter कोर्स किए, फिर MT Fitter कोर्स कंप्लीट किए
फिर वहाँ से गए पोस्टिंग 1980 थ्वाइस, वहाँ भी जाने में लोग इतना बोल रहा था कि तुम पहले घर होके आ जाओ क्योंकि वो बहुत लाइफ बहुत मिजरेबल है, वहाँ दो पहाड़ है उसके बीच में जहाज जाता है, इधर लग जाएगा। सही में सर सही बता रहे। फिर हम बोले कि यार हमको छुट्टी दे दो 15 दिन, घर में से मिल के आएंगे ये तो रहती नहीं थी मेरे साथ, ये तो उधर ही रहती थी। हम एक्चुअली बहुत डिवोटेड है इसीलिए, नहीं तो कोई कोई आदमी बिना फैमिली के नहीं रहता है। इसको हम बच्चे को भी देखे हैं बहुत बार बार, डिलीवरी हुआ फिर भी हम नहीं गए कि कन्वर्जन में फेल हो जाएंगे हो जाएंगे। तो फिर 99 FBCU के वहाँ थ्वाइस, मीडियम फैमिली से है ना, उतना हमारा घर में सपोर्ट नहीं है। हालांकि 5 भाई हम लोग, अब तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब सब भाई बढ़िया हो गए। बहुत लग रहा है कि हम कैसे थे, छप्पर गिरता था ऊपर से पानी चपटक छूता था। अभी देखो हम लोग सब भाई, एक्चुअली हम ही नहीं सब भाई हमसे और आगे आगे सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो। तो 1980 गए वहाँ, 2 साल का टेनर था, थ्वाइस इंटरनेशनल उसको बोलते हैं। तो आफ्टर थ्वाइस आई गॉट चॉइस इलाहाबाद, इलाहाबाद मिल गया, इलाहाबाद में है 5 साल तक रहे, 20 SU है और रडार उडार चलता है, रडार में काम करते थे। फिर वहाँ से चले गए भटिंडा, 3 साल ही रहे भटिंडा का, फिर आगे डब्ल्यू टी में जहाँ से शुरू किया था। लेकिन यहाँ पहले ट्रेनिंग किए थे बी निशियो और फिर आके इंस्ट्रक्टर बन गया, फिर उसको पढ़ाने ही लगे। तो 5 साल पढ़ाए, डिसिप्लिन देखे, सर भी हमारे साथ थे उसी समय, हम लोग दोनों एक ही दिन रिपोर्ट किए। तो मेरा जर्नी ऐसे ही चला। फिर डब्ल्यू टी आई से हम लोग फिर गए जैसलमेर, तो जैसलमेर में बच्चे पढ़ रहे थे उस समय, तो पढ़ाई वढ़ाई का कोई वहाँ जैसलमेर में कुछ है नहीं। तो हम बोले भाई तुम लोग इधर ही रहो, हम ही जाते हैं इधर उधर चलते हैं। तो फिर बच्चे को छोड़ के चले गए जैसलमेर, जैसलमेर में रहे 3 साल, 3 साल से फिर इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग ही आ गई दिल्ली। तो फिर बच्चे इंजीनियरिंग में करने लगे तो फिर इनको नहीं ले गए, तो दिल्ली में फिर काटे 5 साल। दिल्ली एक टेट्रा स्कूल है, वहाँ भी पढ़ाते थे। फिर वहाँ से 2016 में गए 509 SU शिलोंग, शिलोंग पीक, वो भी ठंडा इलाका है, बहुत टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ सब लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है वो। फिर वहाँ के बाद चॉइस पोस्टिंग मांगे इधर, लास्ट पोस्टिंग आवडी, फिर ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर में फिर 4 साल रहे, अब वहाँ से रिटायर कर गए। तो ये एयरफोर्स का जर्नी बहुत ही मतलब अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल जर्नी है वो। उतना हम फैमिली साथ में क्या बताए, फैमिली को अलग रहना के सारा इनका अपने ऊपर ले लिए है। कभी इलाहाबाद में रहे ना 5 साल, इलाहाबाद रही, भटिंडा रही, चेन्नई रही, ताम्रम रही, ताम्रम के बाद अकेले, ताम्रम के बाद अकेले। तो आप मीरा के लिए क्या कहोगे? उसके लिए क्या बोलोगे? थैंक यू बोल दीजिए, काल को थैंक यू बोल दीजिए, बहुत सपोर्ट। हाँ बच्चे मतलब ऐसे इस एज में छोड़ के जाना, फिर पूरी जिम्मेदारी घर। चलो थैंक यू बोल, इसका बहुत सपोर्ट हुआ तभी हम मतलब इतना कर पाए, बच्चे भी आगे बढ़ गए, नहीं तो सपोर्ट नहीं करते, नहीं मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, चलूंगा चलूंगी, तो फिर बच्चे तो आ जाते ऐसे ही। अच्छा फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर इसको भी सपोर्ट मिला। मेरा थैंक यू बोल दो, अभी तो अंकल गा रहे हैं। पुराना गाना लोग को अच्छा नहीं लगेगा, पूरा गाना सुनिएगा बहुत आ रहा, उसके बाद आप जो बोलेगा बहुत पसंद है आपको, बहुत पसंद डांस होना पसंद। दूसरा साथ देने का वादा करो, मैं यही मस्त नगर में लुटाता रहूं,
ठीक है।
उसने तो हर बात को इशारे दिया भी जला के करा तो क्यों बारे उसने तो हर बात को इशारे दिया भी जला के करा तो क्यों बारे रेशमी तू बंदा करता चीन के हुनर में मेले में अकेले फिर बाजार शहर में कौन सा बनाया बहाना 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 जटी अमला पगला दीवाना परंपरा इतनी सी बात न जान के ओ मन प्यार करती है सते उते ओ मरती है ते ओ मन प्यार करती है गवाही रहे तो लास्ट कर देंगे मुझे देखिए फास्ट गाना मिले ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना मुझे आप देख सड़क पे भाग जाती ना ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना मुझे आप देख सड़क पे भाग जाती ना घूंघट में मुखरा छुपाती ना छोटी सी उम्र में जान को लगाती ना प्रेम चलो पुराना 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 जटी अमला पगला दीवाना हो लंबा इतनी सी बात न जान के ओ मन प्यार करती है सजर पे ओ मरती है के ओ मन प्यार करती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे रिटायरमेंट आपका धन्यवाद रियली आपने सुनाए आपका भी थैंक यू आपने साथ दिया बोलना नहीं चाहते थे बुलवा ही सब कुछ बुलवा लिया ये एक पत्रकार एक आदमी का हुनर होता है नहीं कैसे बुलवाना हम तो बोलने के लिए सोच ही नहीं रहे लेकिन आप लोग बुलवा लिया थोड़ा भावुक भी हो गए हालांकि मैं बहुत रोक रहा हूँ कहीं कहीं पोस्टिंग भी जाता था ना मैं तो भाषण देते थे होता था WTI में कहीं भी तो मुझे अजीब लगता है छूटने में इस बार मैं बहुत होल्ड कर चल भाई बहुत बहुत मुबारक हो बहुत अच्छा प्रोडक्शन सेकंड इनिंग शुरू हो रही है अब पूरा टाइम मिला है अजीब तो लगेगा है ना लेकिन पूरा टाइम अभी टाइम दे रहा है हां है ना ये बहुत बहुत शोर शोर कर रहा है बहुत शोर शोर कर रहा है तुम्हारे लिए फुल टाइम इतने अनमाले कर लो
अब मैं जाऊंगा कहाँ, कुछ पाने को जो खोया फिर पाऊंगा कहाँ, मंजिल खो गई एक पल को बस राह रह गई, राहों ने यूं मोड़ा के मंजिल ही मिल गई, कब कहाँ दिल से निकली सदा मुझको नहीं।